जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कृष्ण राठी जी और जिला पार्षद भाई रामफल जी जो अंटा गांव से है, जो दुष्यंत चौटाला जी के बहुत ही मजबूत और मेहनती साथी है, और हलका अध्यक्ष भाई वीरेंद्र शेखो जी और सरपंच साहब सुनील सरपंच बहादुरगढ़ सरपंच जी और अनिल कोंडू जी जो हलका के अध्यक्ष हैं, और सभी वरिष्ठ साथी, किसी का नाम रह गया तो क्षमा मांगूंगा, जो हमारे साथ आए हैं सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। और मेरे सामने बैठे अंटा गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। जैसा कि आप सबको पता है, 25 मई को सोनीपत लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी का प्रत्याशी है जिनको पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं, जो कि एक बार वोट लेने आते हैं उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। 10 साल से बीजेपी के जो सांसद रहे हैं, वोट लेने के बाद कभी दोबारा मुड़ के आपके बीच में नहीं आए दुख तकलीफ में या कोई विकास कार्य करवाने के लिए। अब उसी बीजेपी का प्रत्याशी जो है पंडित मोहनलाल जी हैं, जो जमुना किनारे गांव के बड़ोली गांव से हैं, जिन्होंने अपने हलके में तो क्या खुद के गांव में विकास किए, कीट तक नहीं लगवाई। इसके माइनिंग के बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो ये रेत अवैध रूप से माइनिंग होती है उसका संरक्षण देने का काम करते हैं, और उनका कोई सोनीपत की जनता से या अपने राय हलका की जनता से कोई सरोकार नहीं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को लाई है जिसकी यहाँ खुद की भी वोट नहीं, कहने को तो सफेदों का कहते थे, ये पंडित सतपाल जी है, कोई वहाँ पंडित हरिद्वार के घाट पर कोई मंदिर है वहाँ के पुजारी हैं, उनको लेके आए, पहले कहते थे सफेदों हल्के का है, तो भाई हमने माना होगा। पर ये तो पोल जब 5-7 दिन पहले उन्होंने अपना नामांकन भरा, अपने हाथ से पर्चा दाखिल किया, उसमें खुद अपने हाथ से जो पता लिखा है थाना राम आश्रम हरिद्वार, ना उनका आधार कार्ड यहाँ का है, ना उनकी वोट कार्ड है, ना कोई राशन कार्ड है, तो बताओ हरियाणा का वासी ही नहीं, जब वो कैसे यहाँ किससे आधार पे वोट मांगने आए हैं। और तीसरा, आपके अपना चौधरी देवीलाल की जो किसान कमेरे मजदूर गरीब की पार्टी, जो गरीबों के मसीहा थे चौधरी देवीलाल, उनकी पार्टी का उम्मीदवार गरीब मजदूर किसान का बेटा जो आपके बीच में प्रत्याशी बना गए, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भेजा है आपके बीच में, वो आपके पड़ोस का गोहाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 30-32 किलोमीटर है, मेरा घर गोहाना में घुसते ही है, उनका बता दो, किसी का कोई जानता हो कोई ठिकाना हो, ना जमुना जी वाले का पता ना गंगा जी वाले का पता। हम तो यही रहे हैं, हमने तो हमेशा मजदूर गरीब दलित किसान भाइयों की लड़ाई लड़ी है, बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ता हूँ और एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ, और आपके बीच में ये वोट मांगने आया हूँ। इस वोट का आपने फैसला करना है कि ये वोट गंगा जी वाला जो 300 किलोमीटर दूर से आपके बीच में खड़ा हो गया, एक 150 किलोमीटर दूर से जमुना जी के घाट से आया है, तो आप लोगों ने देखना आपके नज़दीक का कौन है। और जो हमेशा यहाँ रहता हो, उन्होंने तो हारेंगे जीतेंगे उन्होंने तो यहाँ दिखाई देना नहीं, हम जीतेंगे हारेंगे आपके बीच में ही रहेंगे, जैसे हैं आपके अपने हैं। तो ये हमारे भाई रामफल जी बैठे हैं, ये हमारी जमानत ले सकते हैं, उनकी है कोई लेने वाला? अरे हम तो जीतेंगे जब भी, हारेंगे जब भी, हमें एक बार आप सेवा का मौका देखो, ये उलाना नहीं आने देंगे भाई, वोट मांगने के बाद आपके बीच में नहीं आए। तो मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से ये अपील करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अपने गांव से जिता के भेज दें, आपकी दुख तकलीफ और विकास में जो हम बीच में रहेंगे, विकास कराएंगे, जो भी हमारे से बढ़ पड़ेगा, रामफल भाई साहब है, ये इनका चुनाव है, दुष्यंत चौटाला का चुनाव है, मैं तो एकमात्र इनका नुमाइंदा हूँ, ये चुनाव तो दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी
का है जो हमें प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो आपसे मैं वोट की अपील करता हूँ। 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा चाबी का बटन दबा के यहाँ से जिता के भेज देना। गरीब मजदूर की जो लड़ाई चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, उसको आगे संसद तक लेके जाएंगे। जो 36 वर्ष के काम चौधरी देवीलाल ने नीतियाँ बनाई थी, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे गरीब मजदूर, जो वृद्धावस्था पेंशन, इस तरह की जो नई नई नीतियाँ हैं दुष्यंत चौटाला जी के और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, 36 वर्ष की भलाई की नीतियाँ लागू करेंगे। धन्यवाद। चाहिए।